तीखे तेवर, बेबाक अंदाज और विरोधियों पर हमलावर। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का सियासत में नाम ही काफी। करीब 63 साल की उमा भारती ने राजनीति का लंबा दौर देखा है। वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री थी और बड़ी बात यह है कि सन्यासी का जीवन जी रही उमा भारती हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा चेहरा भी है। वो राम मंदिर आंदोलन के अगुवा नेताओं में थी। उमा भारती एक बार फिर फॉर्म में है। मुद्दा काशी मथुरा का है, सवाल हिंदुत्व और आस्था का है और जवाब के लिए एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद हाजिर हैं उमा भारती। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस खास शो में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देश में जो माहौल चल रहा है उसी से जुड़ी हुई। देश में इस वक्त धरोहरों को लेकर एक तरह की नई तरह की बहस छिड़ी हुई है, या कहें कि पुरानी बहस को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। जगह जगह अदालतें सक्रिय हो गई हैं, जगह जगह पर आम जन सक्रिय हो गए हैं और अपने अपने तरीके से पुरानी धरोहरों पर अपना अपना हक जताने की कोशिश की जा रही है। कहां पर ये जाके लड़ाई थमेगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं जो हमेशा भगवा कपड़ों में रहीं, जो हमेशा भगवान राम की सबसे आगे, राम जन्मभूमि की सबसे बड़ी किरदार के तौर पर सामने आई और आज बहुत दिनों के बाद किसी खास कार्यक्रम में किसी स्टूडियो में पहुंची हैं। आप समझ गया मैं किनकी बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, बहुत बहुत स्वागत है उमा जी आपका। धन्यवाद एबीपी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत लंबे अरसे के बाद बातचीत हो पा रही है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आजकल जो बनारस में चल रहा है, काशी में चल रहा है ज्ञानवापी को लेकर, आपको कैसा महसूस हो रहा है, विजयी या चिंतित? जब अयोध्या का आंदोलन चला था तभी मथुरा काशी की बात चली थी, क्योंकि अयोध्या के प्रमाण के लिए तो खुदाई जरूरी थी, लेकिन मथुरा और काशी ये जो दो स्थान हैं इनमें खुदाई की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये मंदिर ही थे और हिंदुओं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण थे। काशी में हमारा ज्योतिर्लिंग था महत्वपूर्ण, विश्वेश्वर विश्वनाथ, और श्री कृष्ण जन्मभूमि थी मथुरा में। और जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है, इसी तरह से हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी हैं, क्योंकि रामकृष्ण और शिव हमारे त्रिदेव हैं, हम त्रिगुणात्मिका शक्ति के उपासक हैं हिंदू समाज। तो इसलिए जैसे हम लक्ष्मी काली और सरस्वती के उपासक हैं, इसी तरह से शिव कृष्ण और विष्णु के उपासक, शंकर के और कृष्ण के और इनके उपासक हैं, शिव जी के, राम कृष्ण और शिव के उपासक हैं। ठीक है, अब अयोध्या का जब मसला था हम तो सोचते थे तभी सुलझ जाएगी और इसके साथ बात खत्म हो जाए। इसलिए जब वर्शिप बिल आया 91 में तो भगवान की दया से मुझे भी, मैं भी एक वक्ता थी, हमारी तरफ से सिर्फ 3 ही वक्ता थे पार्लियामेंट के अंदर, तब भी मैंने ये बात कही थी कि आने वाली पीढ़ियों को अगर शांति और सद्भाव से रखना है तो ये दो स्थानों का फैसला भी अभी कर लीजिए, आज पार्लियामेंट में इस विधेयक को समाप्त करते करते, क्योंकि आक्रांताओं की स्मृति आती है तो हम कितनी भी कोशिश करेंगे चुभन होती है मन में। जो भी काशी जाएगा उसको ज्ञानवापी का वो मस्जिद है वो दिखती है, वो दिल को तकलीफ़ होती है कि हमारी बेइज्जती क्यों, हमारा अपमान क्यों। जो भी मथुरा जाएगा कृष्ण की जन्मभूमि पर उसको वो तकलीफ़ होती है। तो ये जो राम कृष्ण और शिव के जो 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं इनका सम्मान कर दीजिए और इससे चैप्टर क्लोज हो सकता है। और अगर हमने इनको भविष्य के लिए छोड़ दिया तो ये चुभते रहेंगे और कभी ना कभी इनके बारे में फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। पूर्णिया सिटी जानी ना, पूर्णिया सिटी। हाँ
कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।